हेलो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल आ चुका है अपने एक नए वीडियो के अपडेट के साथ और आज हम हैं गाजीपुर के रेलकम रोड ब्रिज पे। आपको अपडेट देने वाले हैं कि यहाँ जो मार्च महीने में सीआरएस होना था, किन कारणों की वजह से सीआरएस टल गया और नेक्स्ट सीआरएस जो है कब होना, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम लोग खड़े हैं 81 से 87 के बीच में। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा पिलर का जो है, देखिए फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से कर दिया गया है। ओएची वायर का देखिए यहाँ पे कनेक्शन भी कर दिया गया है, जिसपे इलेक्ट्रिक लोको इंजन का ट्रायल भी हुआ था। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए पूरा कनेक्शन यहाँ पे होके रखा हुआ है। और अब बात करें कि सीआरएस यहाँ पे जो है किन कारणों की वजह से रुका था मार्च में, तो पहला सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण था यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन जो है पूरी तरीके से नहीं हुआ था, इस वजह से सीआरएस मार्च में टल गया था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जैसे जो हमारा ये ट्रैक है जो आप देख पा रहे होंगे लेइंग हो के रखा हुआ है, तो ड्राइवर जब यहाँ से मूवमेंट करते हैं तो उनको जो है सिग्नल चाहिए होता है, पहला चीज़। दूसरा यहाँ पे जो है कोर्स चाहिए होता है जहाँ पे वो किलोमीटर को भी पढ़ सके, कितने किलोमीटर पर जो है उनको सिग्नल मिल रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए किलोमीटर का जो पोस्ट है, ये देखिए यहाँ पे किलोमीटर का जो पोस्ट है ये भी लग चुका है। ये देखिए ये हेक्टोमीटर पोस्ट बोलते हैं इसको, ये देखिए लग चुका है 20 लिखा हुआ है। तो ये किलोमीटर है जो कि जोनल से डिवाइड होता है कि स्टेशन से लेके, तो ये हेक्टोमीटर पोस्ट भी यहाँ पे लगा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से सीआरएस चल गया। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्ड सबसे बड़ा इशू, तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्रैक यहाँ पे लेइंग की गई है इसके बीच में स्लीपर्स भी आप लोग देख पा रहे होंगे, ये होल्स बने हुए हैं। इसके अंदर जो है गार्ड रेल फिक्स होता है, जब भी प्रॉपर तरीके से पैकिंग हो जाता है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड पैकिंग होने के बाद इस ट्रैक की बॉक्सिंग होगी। बॉक्सिंग जब होगा उसका भी वीडियो हम लोग आपको देखने वाले हैं, क्योंकि बॉक्सिंग भी यहाँ पे नहीं हुआ था। तो बॉक्सिंग बैलेंस होने के बाद जो है यहाँ पे जो है आप लोग देख पा रहे हैं गार्ड रेल के लिए जो होल बना हुआ है, देखिए तो गार्ड रेल यहाँ से पूरा ट्रैक तक जो है फिक्स होना है। गार्ड रेल हमारा जो है ब्रिजेस में लगते हैं या फिर जहाँ पे बगल में पिलर्स होते हैं, जिससे स्लीपर जो है बकलिंग होके शिफ्ट होके ये पिलर में टच ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गार्ड रेल दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ तक स्टेट है, इसके बाद हमारा कर्व पोर्शन स्टार्ट है। तो 4 से 5 पॉइंट के बारे में हमने आपको बताया कि किस वजह से सीआरएस नहीं हो पाया था। और भी पॉइंट्स हैं, जैसे यार्ड एरिया में प्लेटफॉर्म की पेंटिंग नहीं हो पाई है, फुट ओवर ब्रिज नहीं बन पाया था, उसके बाद जो है यहाँ पे यार्ड एरिया में प्लेटफॉर्म पर पेंटिंग का कार्य नहीं हुआ था, सीआरएस तक प्लेटफॉर्म पर लाइटनिंग का कार्य नहीं हुआ था, स्टेशन नेम बोर्ड का भी कार्य अभी बैलेंस है। तो ये सब कुछ 5 से 10 काम ऐसे थे, छोटे छोटे कार्य थे जो बैलेंस रह गए थे, जिसकी वजह से मार्च में सीआरएस टल गया था। अभी जो है इन कार्यों को किया जा रहा है, उसके बाद जो है उम्मीद है कि 25 अप्रैल तक जो है यहाँ पे सीआरएस करा दिया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ब्लास्ट डाल दिया गया है, लेकिन इसकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग और स्लोपिंग नहीं की गई। तो ये सब होने के बाद ही इस प्रोजेक्ट का सीआरएस होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।